करंट पावर कट ऑफ बाय द सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक है जिसका नाम के इलेक्ट्रिक है, हम बोलते कुछ और है लेकिन वो है के इलेक्ट्रिक ही, सही है। तो हमारे पास क्या है, के इलेक्ट्रिक जो है वो हमारे पास हमारी बिजली खुद काट रहा है। मतलब ऐसा है कि वो प्लान्ड है कि हम इतनी कर रहे हैं, तो लोड शेडिंग कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये लोग क्यों करते हैं, जानबूझ के हमें तंग करने के लिए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। देखो हमारी डिमांड क्या हो रही है, हर वक्त बढ़ रही है, और मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज इतनी नहीं है, हम नॉन रिन्यूएबल थर्मल पावर स्टेशन और यूज कर रहे हैं। अब उसमें होता ये है कि हम कोयला, ऑयल और गैस ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं आग लगाने के, और ये सारी चीजें मोस्टली हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, सिर्फ गैस हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे। तो होता यह है कि आप बिजली जब हमें बाहर से मंगानी पड़ती है तो वो एक तो एक्सपेंसिव पड़ रही है और उतनी बिजली पैदा नहीं हो रही जितनी हमें करनी चाहिए, मतलब जितनी डिमांड है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें बचानी है बिजली बाद के लिए, तो हम क्या करते हैं बिजली देते नहीं है, 1-2 घंटे का गैप देते हैं ताकि वो हम बिजली सेव कर सकें। तो ये चीज है, सही है। अब लोड सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर बाहर से बिजली इतनी महंगी पड़ रही है तो इसका कोई अफेक्ट आता है बिल पे? तो बेटा जब आपका पेट्रोल महंगा होता है ना, तो आपने देखा होगा पेट्रोल महंगा होने की वजह से के इलेक्ट्रिक हमारे पास फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगा देती है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्या होते हैं कि वो हमारे पास बोलती है कि भाई फ्यूल महंगा हुआ तो क्यों, क्योंकि बिजली आपकी फ्यूल से पैदा हो रही है, वो बहुत कम सोलर और से। अब तो होता ये कि के इलेक्ट्रिक सोलर से भी बहुत सारे लोगों से खरीद रहा है, लेकिन वैसे मोस्टली जो अभी चल रहा है वो आपका फॉसिल फ्यूल्स पे चल रहा है। तो लोड शेडिंग इसलिए होती है कि वो प्लांट पावर कट ऑफ है बाय द सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हमारे यहाँ पे कौन है, के इलेक्ट्रिक, पंजाब के अंदर वापटा है, तो इस तरीके से हमारे पास है। अब अफेक्ट्स ऑफ लोड शेडिंग, के लोड शेडिंग के क्या अफेक्ट आएंगे अगर लोड शेडिंग हो रही है? देखो सबसे पहले मेरी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। सर प्रोडक्शन कैसे स्टॉप हो जाएगी? आप ये बोलोगे कि सर मेरी प्रोडक्शन चल रही थी, मैं कोई कपड़ा बना रहा था, जैसे मैं कॉटन की एग्जांपल देता हूँ कपड़ा बनाने की, क्योंकि कॉटन हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। मैं अगर कॉटन की बात करूं तो कॉटन से मैं कपड़ा बना रहा था, जैसे ही मैं कॉटन से कपड़ा बना रहा था अचानक लाइट चली गई, वो मेरी प्रोडक्शन रुक गई। अब जब प्रोडक्शन रुक गई तो मेरी एक तो ये मसला होगा। अब सर अब आप बोलोगे सर जनरेटर लगा ले, तो जनरेटर तो लगा लूंगा लेकिन वक्त के लिए तो वो रुक रही है ना, और अगर जनरेटर लगा ले तो जनरेटर की अलग कॉस्ट आ रही है, क्योंकि जनरेटर आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आप सिर्फ कभी ट्राई कर लेना, आपके घर का बिल फॉर एग्जाम्पल आ रहा है 40,000, 50,000, 1 लाख रुपीज, आप वही अगर उस पे जनरेटर पे सिर्फ कंप्लीटली चलाओगे तो आपका बिल ज्यादा आएगा, सही है। तो लोड शेडिंग का ये नुकसान है कि जनरेटर की कॉस्ट बढ़ गई। फिर मशीनरी क्या हो रही है, डैमेज। अगर लाइट अचानक जा रही है, 3 बजे लाइट जाती है, अब आप बोलोगे सर पहले से बंद कर दें, बेटा अब काम तो करना है ना, अब किसी को याद नहीं रहा, तो मशीनरी क्या हो सकती है, डैमेज, कि जो हैवी मशीनरीज होती है उन्होंने स्टेबलाइजर नहीं लगाए हुए वोल्टेज को कंट्रोल, तो वो डैमेज हो सकती है। फिर अगर आपकी प्रोडक्शन रुक रही है तो आप ऑर्डर टाइम पे नहीं दोगे, जैसे कि अगर मैंने किसी को प्लान करा होता कि मैं 300 शर्टें दिन की बनाऊंगा और उसको 10 दिन के बाद 3,000 शर्ट दे दूंगा, अब लाइट ही इतनी देर के लिए चली गई कि शर्टें ही नहीं बन पा रही, तो मैं उसको ऑर्डर टाइम पर नहीं दे पाऊंगा। तो पहली तो ये चीज हो गई। फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे पास ये प्रॉब्लम आएगी कि हमारी क्वालिटी वो नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोडक्शन रुक रही है तो आपकी शर्ट खराब हो सकती है, कोई चीज क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप ऑर्डर टाइम पे नहीं दे रहे तो ऑर्डर्स कम मिलेंगे, और जब ऑर्डर्स कम मिलेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो आपके पास क्या है, अर्निंग क्या होगी, कम। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सर ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं, अगर आपकी लाइट नहीं है, लोड शेडिंग हुई भी है, तो लोड शेडिंग के अंदर क्या होगा कि आपके पास जो लोग हैं वो मोस्टली क्या निकलेंगे, अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। अब जो कंटेनर्स और जा रहे हैं वो एक मसला है। फिर ये कि अगर लोड शेडिंग ये है तो उसमें आप वो क्या करेंगे, अगर कोई लोड शेडिंग की वजह से कोई आपके ट्रांसफार्मर में मसला आ गया, आपके पीएमटी में मसला आ गया, तो के इलेक्ट्रिक की एक गाड़ी खड़ी हो जाएगी, वो गाड़ी रास्ता ब्लॉक कर देगी। तो काफी मसले हैं लोड शेडिंग की वजह से, लेकिन ये कचरा पॉइंट है, ये वाला जो लास्ट वाला है ये कचरा पॉइंट है, ये आप पेपर में नहीं लिखोगे, आपकी कोशिश क्या होगी ये हम पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, अफेक्ट्स ऑफ लोड शेडिंग के बाद कि हमारे पास वाई, इधर हेडिंग नहीं लिखी हुई है, आप लोग ये लिख लीजिएगा कि वाई एनर्जी क्राइसिस आर फेस्ड बाय पाकिस्तान, क्यों एनर्जी क्राइसिस है हमारे पास, मतलब एनर्जी हमें क्यों शॉर्टेज पड़ रही है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वाई वी आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द लोकल पीपल, हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड उनकी फुलफिल नहीं कर पा रही है, एनर्जी क्राइसिस क्यों है? तो आप सबसे पहला रीजन ये बोलोगे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, माशाल्लाह जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे,
अगर आपने लास्ट पावर प्रोडक्शन और के जो वो देखे होंगे वो बेनजीर और नवाज शरीफ के जमाने में थे। उसके बाद कोई आप जैसे कोई मेजर वो पावर प्लांट ही नहीं बना, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। सर आई वॉन्टेड टू आस्क दैट अगर ज्यादा लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर चले एंड क्या वो हमारा बिल अफेक्ट करता है, अगर करता है तो बिल आपका ज्यादा आएगा। सही है, ज्यादा मतलब आपका अगर बिल अगर 10,000 आता है ना, तो लोड शेडिंग की वजह से वो जनरेटर पे सिर्फ चलेगा तो 12,000 हो जाएगा, क्योंकि वो जनरेटर की कॉस्ट ज्यादा होती है, उसकी मेंटेनेंस लग रही है। और जनरेटर का जो दूसरा डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि जनरेटर आपके पास एक हद तक काम कर सकता है, फिर वो उसको रेस्ट चाहिए होता है। तो पहली चीज क्या है कि पॉपुलेशन आपके पास क्या है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही। दूसरा क्या है, फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रही है। क्या हो रही है, फॉसिल फ्यूल्स खत्म। फॉसिल फ्यूल्स डिप्लीट होने का मतलब क्या है कि वो खत्म हो रही है, कि वो खत्म हो रही है, तो उसके वजह से क्या है कि अब जब खत्म हो गई तो आप बिजली कहाँ से पैदा करोगे, क्योंकि आपकी मोस्टली तो थर्मल पावर स्टेशन है। रिन्यूएबल पावर स्टेशन एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट है, तो वो हम बना ही नहीं रहे, क्योंकि हम बेचारे क्या है, हम गरीब है, पावर लॉस हो रहा है। पावर लॉस ये कि हमारे जो मेजर पावर स्टेशन है वो एक दो जगह पर है, अब वहां से जब हम बिजली लेकर जाते हैं आगे तक, तो बीच में पावर चोरी हो जाती है, पावर लॉस हो जाता है, पावर चोरी हो जाती है, बीच में लोग कुंडा मार लेते हैं। कुंडा क्या होता है, आपकी एक लाइन जा रही है, वो लाइन इस तरीके से कुछ जा रही है, सही है, बीच में से वो कट करके अपने घर में ले जाएंगे। सही है, तो ये चीज हो रही है, तो आप पावर लॉस भी हो रहा है। पावर लॉस का मतलब ये है कि जितनी लंबी तार होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, करंट कम फ्लो होगा, पावर लॉस हो रहा है, पावर थेफ्ट, ये चोरी हो रही है। फिर हमारी ओल्ड मशीनरी है जिसकी वजह से पावर ब्रेक डाउन हो जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे पास मोस्टली अभी पूरे कराची के अंदर, अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ मसला था पूरे पाकिस्तान या पूरे कराची के अंदर लाइट का मसला हुआ था, तो ये हमारी ओल्ड मशीनरीज है। हम बाबा आजम के जमाने की क्या कर रहे हैं, मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत बढ़ गई है, इसकी वजह से सर एनर्जी क्राइसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जो हमारी एनर्जी है वो मोस्टली अर्बन एरियाज में। अब जब यहाँ पे हर कोई आ रहा है, मासियां आ रही हैं, यहाँ पे आपके पास ड्राइवर्स आ रहे हैं, अब जब बहुत ज्यादा लोग हो गए तो डिमांड भी ज्यादा हो गई, उनके घर में भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से इसलिए एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं। अब सवाल ये कि हम एनर्जी क्राइसिस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप नॉन रिन्यूएबल यूज नहीं करो, आप रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज यूज करो, क्योंकि वो एक तो सस्ती पड़ती है, दूसरा यह कि आप ट्रांसमिशन लाइंस नहीं बनाओ जिसके अंदर पावर लॉस कम हो। कि मतलब अब आपके पास, आप लोगों ने देखा होगा एड आती है जिसके अंदर कहा जाता है कि आप लोग ये तार लगाएं जिससे पावर लॉस कम होगा, बिजली के बिल में इतनी कमी आ जाएगी। तो अगर हम ट्रांसमिशन लाइंस अच्छी वाली लगा लें तो पावर लॉस नहीं होगा, तो हमारी जो बिजली जाया हो रही है वो बिजली जाया नहीं होगी। फिर अगर हमारी बिजली चोरी होती है तो हम उसका एक ऐसा सिस्टम प्रॉपर बनाए कि उसका सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा कर दें कि चोरी करने की किसी की जरूरत ना हो। सही है, एनर्जी क्या हो, हम सेविंग्स करें, कि मतलब हम अवेयरनेस फैलाएं लोगों को कि लाइट फालतू की बंद कर दें, ये कर दें, ये हमारे घर में अवेयरनेस चली रही होती है कि हमारे पास क्या आ जाता है कि हाँ बस बिल इतना आ जाए, मतलब पेरेंट्स का ये चल रहा होता है कि बिल आ गया इतना, ये हो तो हमें तो अवेयरनेस मिल रही है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस एक आ जाए कि मीडिया पर आ जाए कि एनर्जी सेविंग्स क्या करो करो, ताकि वो बिजली बच रही है तो वो आपकी सेव हो रही है। ये नहीं कि बिल आपका कम आएगा, आपको फ्यूचर में भी तो देखो आप लोगों को ही काम आएगी, आप लोगों के बच्चों को काम आएगी, पब्लिक अवेयरनेस क्या करो। तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ तक की कहानी समझ आ गई, या फिर आपको कोई मसला है, जिसको कोई मसला है मुझसे पूछ सकता है, जिसको कोई मसला नहीं है वो क्या करे, चिल करे। इसके बाद अब हमारे पास है सप्लाई टू इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, वो बोलेंगे टू व्हाट एक्सटेंट इट इज पॉसिबल टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एरियाज। अब जब आपको पता है, जब टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल आ जाता है तो हम दो चीजें लिखते हैं। सर दो चीजें कौन कौन सी होती हैं, एक होती है पॉसिबिलिटीज कि हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक के अंदर हमें क्या करना होता है, पॉसिबिलिटीज भी बतानी होती है। और वो अगर ये कह रहे हैं कि सप्लाई करनी है इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एरियाज किस हद तक ये पॉसिबल है, तो रूरल एरियाज का मतलब है ये विलेजेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विलेजेस की। अब ये किस हद तक पॉसिबल है, सबसे पहला ये है कि आप नेशनल, यहाँ पे नेचुरल लिखा हुआ है, नेचुरल नहीं है, नेशनल। नेशनल का मतलब है कि जो हमारा जो मुल्क का जो नेशनल ग्रिड स्टेशन है। सर ये ग्रिड स्टेशन क्या होता है, तो देखिए आपने पहले ग्रिड स्टेशन की थोड़ी सी कहानी समझनी है। देखिए आपके पास जो बिजली होती है ना, मैं आप लोगों को तस्वीर दिखा देता हूँ तो आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगा कि बिजली हमारे पास किस तरीके से होती है।
अब देखिए, आपने एक चीज समझनी है, समझनी है कि आपके पास, समझे, ये आपका जनरेटर है, इसने बिजली पैदा कर दी। बिजली पैदा करने के बाद होता क्या है, बिजली आपकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या हो रही है, पैदा हो रही है बहुत ज्यादा क्वांटिटी। वो जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पैदा हो रही है तो वो जाती है नेशनल ग्रिड स्टेशन में। कहाँ जाती है? नेशनल ग्रिड स्टेशन। जब वो नेशनल ग्रिड स्टेशन, जैसे आपकी बिजली पैदा हुई, यहाँ पे पी लिख रहा हूँ, प्रोड्यूस हो गई, प्रोड्यूस होने के बाद वो नेशनल ग्रिड स्टेशन में जाएगी। मतलब जो आपका इंटरनेशनली, जो पाकिस्तान का ग्रिड स्टेशन, जो भी बड़ा ग्रिड स्टेशन, फिर वो वहां से डिवाइड होगी डिफरेंट सिटीज के अंदर, वहां एक एक ग्रिड स्टेशन होगा, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाएगी, उधर अलग अलग क्या होगा, पीएमटी और लगा हुआ होगा, फिर वो आपके पास घर में आएगा। ठीक है, आपके घर में सिर्फ 240 वोल्ट आ रहे हैं, बाकी तो बिजली जो बन रही है वो किलो वोल्ट में बनती है, और वो फिर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हो जो कि बिजली को डिवाइड करता है। तो हमारे पास, हम अगर नेशनल ग्रिड स्टेशन, जो कि हमारा जो मुल्क का जो ग्रिड स्टेशन है जहां पे बिजली जा रही है, अगर हम उसको बड़ा कर दें तो वो ज्यादा बिजली डिवाइड कर सकता है, और जब वो ज्यादा बिजली डिवाइड करेगा तो रूरल एरियाज को बिजली मिल जाएगी। फिर हम पावर जनरेशन बढ़ा दें, मतलब हमारी जो पावर प्रोडक्शन है वो बढ़ा दें, रिन्यूएबल पावर स्टेशन सेटअप करें, क्योंकि वो सस्ता होता है, तो ज्यादा से ज्यादा हम बिजली क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम स्मॉल पावर स्टेशन रूरल एरियाज में बनाएं। क्यों बनाए सर? क्योंकि जब हम बड़ा पावर स्टेशन बनाते हैं और जब हम बिजली रूरल एरिया तक लेके जाते हैं तो आधी बिजली तो पावर लॉस में चले जाती है। तो हम पावर स्टेशन कहाँ पे बनाते हैं? रूरल एरिया में, पहले छोटे बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन आप लोग नई बनाए, नई न्यू ट्रांसमिशन लाइन, ताकि पावर लॉस भी कम हो और सिक्योरिटी बढ़ा दे, ताकि पावर थे। डिफिकल्टीज क्या है, ये सब खर्चा करने के लिए, जितनी भी आपने बकवास पढ़ी, सबके लिए पैसा चाहिए। और हमारे मम्मी पापा क्या थे, गरीब थे। आपने बात पढ़ी थी ना कि हमारे पाकिस्तान जब से बना है हमने भीख मांगने के अलावा कुछ करा ही नहीं, तो कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा। फिर क्या हो रही है, चोरी हो रही है, क्या हो रही है, चोरी। फिर आप क्या बताओगे, नेशनल ग्रिड स्टेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पूरा उसका, फिर वो के इलेक्ट्रिक, के इलेक्ट्रिक का अपना ग्रिड स्टेशन है, उसके बाद वो आगे फर्दर डिवाइड कर रहा है, सही है। अब हमारे पास क्या है, चोरी ज्यादा हो रही है, ये एक डिफिकल्टी है कि हम रूरल एरियाज को जब सप्लाई करने जाते हैं तो फिर पावर लॉस हो रही है। फिर ट्राइबल ओपोजिशन, बहुत सारे ट्राइब्स चाहते ही नहीं है कि उनका वो तरक्की करे, जैसे आपके हमारे सिंध के अंदर भुट्टो आज तक जिंदा है, भुट्टो इंतकाल ही नहीं फरमा रहा, लेकिन ये है कि आज तक आप अगर इंटीरियर सिंध में चले जाओ तो आप वहां का हाल देखकर बोलो कितना जुल्म है उनके ऊपर। तो ट्राइबल ओपोजिशन है, ये लोग खुद कराची में रह रहे होते हैं, ये लोग खुद लारकाना में रह रहे होते हैं, वो डेवलप मिलेगा आपको, बाकी इनका कुछ एरिया डेवलप नहीं है। तो ट्राइबल ओपोजिशन, ये वो चाहते ही नहीं है कि उनके लोग तरक्की करें, क्या आंख से आंख मिला के बोले, मतलब बादशाह बन के बैठे। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट कहती है कि हमें रूरल एरियाज को सप्लाई करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वहां तो इंडस्ट्रीज है ही नहीं, वहां तो वो हमें पैसा कमा के दे ही नहीं रहे, तो हम क्यों उनको दे। फिर आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है जो कि आपके पास अफेक्टिव एंड न्यू मेथड्स क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो ये आपके पास डिफिकल्टीज है टू सप्लाई इन रूरल एरियाज, और कुछ आपके पास पॉसिबिलिटीज थी कि आप सप्लाई कर सकते। तो जिस जिस बच्चे को समझ आ गया वो चिल करे, और जिस जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो मुझे एन लिख कर भेज दे कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उसको समझा दूंगा। अब हमारे पास ये सवाल है, जो हमने सारा लोड शेडिंग और सारी चीजें पढ़ी, उसके अलावा अब हमारे पास है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम 2000 टू 2008। अब आपको ये बात पता है कि पॉपुलेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन, और जो डॉटेड लाइन है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास डॉटेड लाइन है, तो अगर हम देखें तो इसका रिलेशन कैसा है, तो इसका रिलेशन इस तरीके से कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। मैं आपको ग्रिड स्टेशन वाली बात बेटा बता दूंगा, टेंशन नहीं लो, अभी पास्ट पेपर्स देख लो। तो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो आप बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर आप बोलोगे दिस हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी खुद ब खुद इंक्रीज हो रही है, सही है। तो ये 1 मार्क का सवाल है। फिर हमारे पास है डिस्क्राइब द चेंजेस। अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो बेटा 1 मार्क का ये है और 1 मार्क का ये है। अब हमारे पास है डिस्क्राइब द चेंजेस इन पॉपुलेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सिंस 2008, कि क्या चेंजेस आई हैं। तो अगर हम देखें तो 2008 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्या थी, तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं और मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं 2008 से,
तो मैं देखूंगा कि वो ओवरऑल कांस्टेंट रह रहा है, कुछ ज्यादा उसमें फर्क नहीं आ रहा, सही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। लेकिन अगर मैं 2008 से पॉपुलेशन देखूं तो बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाए तो ये आप देखो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इतना इंक्रीज नहीं हो रहा। तो आप क्या बोलोगे, चेंज ये है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो आपकी इतनी ज्यादा चेंज नहीं हो रही है, इट डिड नॉट हैव मच चेंज, लेकिन जो आपकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर हमारे पास है एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन डज नॉट मीट द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। जो हमने एनर्जी क्राइसिस पढ़ा था, हम उसमें यही रोना धोना लिख देंगे, पॉपुलेशन आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर आप क्या बताओगे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी नहीं है। फिर आप क्या बताओगे हमारे पास क्या है, पावर लॉस हो रहा है। फिर आप क्या बताओगे, पावर चोरी हो रही है। फिर आप क्या बताओगे कि हमारे पास रिन्यूएबल जो पावर प्लांट्स लगाने का जो खर्चा है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। फिर आप क्या बताओगे कि हमारे पास क्या है कि जो मशीनरीज है वो क्या है, पुरानी। रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या हो गई है, काफी बढ़ गई है। तो ये 4 मार्क का सवाल था, आपने 4 पॉइंट्स बता देते थे कि क्यों हमारे पास एनर्जी क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं। रीड द फॉलोइंग आर्टिकल, एनर्जी क्राइसिस। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन पाकिस्तान रिलाइज ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस इनफ एनर्जी फॉर इट्स नीड एंड देयरफॉर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ इट्स अर्निंग ऑन एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स ऑफ फ्यूल। डिस्क्राइब ब्रीफली डिफरेंट मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू सॉल्व द कंट्रीज एनर्जी क्राइसिस। देखो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली डिफरेंट मेजर्स कि हम क्या कर सकते हैं टू सॉल्व दिस, और उसके बाद क्या पूछा गया है, उसके बाद ये पूछा गया है कि टू व्हाट एक्सटेंट दीज मेजर्स आर सक्सेसफुल, कि किस हद तक ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या मेजर्स ले सकते हैं कि हम जो है वो इम्पोर्ट ना करें और नॉन रिन्यूएबल पे चले जाएं, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल फ्री होता है। फिर हम लोग क्या करें, हम लोग ये करें कि हम एनर्जी सेविंग करें। फिर हम लोग क्या करें, हम लोग अवेयरनेस फैलाएं। पावर अगर चोरी हो रही है तो हम उसका क्या करें, उसकी वो बढ़ाएं, क्या होता है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाएं। लेकिन अब आप टू व्हाट एक्सटेंट के बताओगे किस हद तक ये पॉसिबल है, तो आप बोलोगे ये कुछ हद तक पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर क्या है कि विंड हम बना रहे हैं। आप बताओगे मकरान कोस्ट पे हमने विंड टर्बाइन लगा दी है, हम कह रहे हैं ना रिन्यूएबल लगा रहे हैं, तो हम उसकी एग्जाम्पल देंगे कि हाँ ये सक्सेसफुल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे विंड टर्बाइन हमने कोस्ट पे लगा चुके हैं। सोलर अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पर लग रहा है और ये सक्सेसफुल है, क्योंकि ये आपके पास ड्राई एरिया है, यहाँ पर धूप बहुत है पाकिस्तान के अंदर, तो सोलर सक्सेसफुल है। फिर आप क्या बताओगे अनसक्सेसफुल क्यों है, हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास जो है पुराने मेथड्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर आप क्या बताओगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। तो इस तरीके से आपने सवाल अटेम्प्ट करना है, पहले बताना है हम ये मेजर्स ले सकते हैं, फिर आपने बताना है कि ये मेजर सक्सेसफुल इसलिए हो सकते हैं, ये हो सकते हैं क्योंकि ये चीज हो रही है, लेकिन फिर आप बताओगे ये चीजें इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं है, पैसे नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, ये सारी चीज। टू वॉट एक्सटेंड इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द सप्लाई टू रूरल एरियाज, तो मैंने इसकी पॉसिबिलिटीज एंड डिफिकल्टीज आपको लिखवाई हुई है, आपने पॉसिबिलिटीज और डिफिकल्टीज वही लिख देनी है। एक्सप्लेन द वाई द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट रिलायबल इन मेनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसके अंदर हमें वही चीजें बता देनी है, क्या बता देनी है कि हमारी एनर्जी क्राइसिस क्यों है, पावर चोरी हो रही है, पावर लॉस हो रही है। उसके बाद आप ये बताओगे कि हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, हमारे पास जो है रिन्यूएबल पावर स्टेशन नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम मेंटेनेंस सही नहीं कर रहे, हमारी जो पुरानी मशीनरीज है तो इसलिए सारी चीजें हो रही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ सेक्टर यूजेस द लार्जेस्ट परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बोल दोगे डोमेस्टिक, घरों के अंदर, क्योंकि आप अगर इसकी परसेंटेज देखो तो बहुत ज्यादा है। फिर अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला स्टेट टू मोर लार्ज यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शोन ऑन द चार्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट दे यूज फॉर इट। तो इंडस्ट्री और फार्मिंग है, तो आप इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हो, मशीनरीज के लिए यूज करते हो, कंप्यूटर्स होते हैं, एयर कंडीशनिंग होती है, लाइटें जल रही है उसके लिए। फार्मिंग में क्यों यूज हो रही है, ट्यूबवेल के लिए यूज हो रही है, दूसरी मशीनरीज के लिए यूज हो रही है, हार्वेस्टर थ्रेशर के लिए, उधर भी लाइट्स और जल रही है तो उसके लिए यूज हो रही है, तो आपने वो बता दिया। व्हाट प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फैक्ट्रीज ब्रेक डाउन, मतलब आपने लोड शेडिंग के प्रॉब्लम बता देने कि अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्शन रुक जाएगी, मशीनरी डैमेज हो जाएगी, ऑर्डर में डिले हो जाएगा, क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, और ये सारी चीजें आपने बता दी। व्हाट इज लोड शेडिंग, लोड शेडिंग क्या होता है, प्लांट पावर कट ऑफ, और उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रोडक्शन रुक जाती है, मशीनरी डैमेज हो जाएगी, आपके ऑर्डर्स डिले हो जाएंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आपको नुकसान हो जाएगा, जनरेटर की कॉस्ट आएगी, और आपके पास ये सारी चीजें आपने बता दी। तो 4 मार्क में 1 मार्क डेफिनेशन का था और 1 उसका था, तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की कहानी।